कल शाम को मुखबिर से ये इतला मिली कि रेलवे स्टेशन की तरफ आदर्श नगर की रोड है। हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जालौर समाचार में आपका स्वागत है। जालौर में डीएसटी टीम और कोतवाली पुलिस ने दह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 युवतियों और एक दलाल को पकड़ लिया है। युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। इसी दौरान कोतवाली पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात सूचना मिली कि पोलजी नगर आदर्श कॉलोनी में एक किराए के मकान में दह व्यापार का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इस पर डीएसटी टीम और कोतवाली पुलिस ने दबिश देकर आपत्तिजनक स्थिति में 3 युवतियों सहित एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह तीनों युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। वहीं दलाल के रूप में ललित कुमार पुत्र मोहनलाल माली निवासी शांतिपुरा जालौर को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष अनुकृति उज्जैनिया, हेड कांस्टेबल तेजाराम, कमलेश कुमार, डीएसटी टीम से दिनेश कुमार, गुमाराम, खेजाराम और युवती कांस्टेबल लीना शामिल रही। तो दोस्तों, ऐसी खबरें दिखाना आपको विचलित करना नहीं बल्कि सचेत करना है ताकि समाज में घटित वाली घटनाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, प्रदेश भर के ऐसी खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।